कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारी मांगे पूरी की है हमने। अगर अशरफ की कोई माशूका थी तो आप दोनों ने ये शादी करवाई ही क्यों? यकीन मानिए जीना जी, हमें नहीं पता था। कैसे नहीं पता था? अशरफ ने खुद ये मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि उसकी कोई हिंदू गर्लफ्रेंड थी अंजलि के नाम से। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि हमारा अशरफ ऐसी हरकत कर सकता है। कल शाम को दुकान से ये कह के निकला कि किसी काम से जा रहा हूँ, लेट आऊंगा बस, और कुछ नहीं बताया। कोई इतनी गंदी हरकत करने से पहले किस मुंह से किसी को कुछ बोलेगा, हाँ? और क्यों बोलेगा? कौन है मनुसा? कौन है मनुस जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी बसने से पहले उजाड़ दिया? बोलिए ना। आप मेरा यकीन कीजिए, अगर अशरफ ने एक बार भी जिक्र किया होता तो हम ये रिश्ता करते ही नहीं, अल्लाह कसम। इसमें सोचना क्या है, सीधे पुलिस कंप्लेन करते हैं। निकाह को एक महीना हुआ है और दिखा दिया उसने अपना असली रंग। चार छह जगह पूछना चाहिए था ना हाँ कहने से पहले, देखा जल्दबाजी कितनी महंगी पड़ गई। अजमल, मंसूर, इलियास ठीक कह रहा है, पुलिस में कहकर खाल उतरवा देते हैं इनकी। और हम भी ढूंढ निकालते हैं इस अशरफ को और उस अंजलि को, सालों को घसीट कर लेके आते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। ये तलाक भी कोई तलाक है बेटी? ये सरासर धोखा है, फ्रॉड है तेरे साथ। पिछला एक महीना मेरी शादी से लेके अब तक मेरी जिंदगी का सबसे बुरा महीना रहा है, इतनी जिल्लत। धीरज, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, पूरा माहौल आग बबूला है, सब अशरफ को गालियां दे रहे हैं। सही है नाज़नीन, अपनी तरफ से मामले को आपे के बाहर ना जाने देना। अब दो तीन दिन बाद मिलेंगे, जब सबका गुस्सा ठंडा हो गया हो। हाँ, मेरे घर वालों ने तो मुझ पर बर्बाद बेचारे का थप्पा लगा ही दिया है समझो। अब वक्त है हम हमारी जिंदगी आबाद करें धीरज, बस अशरफ के अम्मी अबू उसको लेकर ज्यादा तमाशा ना खड़ा करें। होगा अशरफ ने आपसे कुछ भी, वहां नाज़नीन का खानदान मुझे गालियां दे रहा है, मेरा नाम खराब हो रहा है। ज़ुबैदा बहन, आप एक औरत होकर, एक माँ होकर आप भी नहीं भांप पाई कि अशरफ की जिंदगी में कोई और है? हमें कैसे पता चलता मोहसिन भाई, जब अशरफ ने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमारा अशरफ ऐसा कर सकता है। मैंने उसकी अलमारी देखी, एक भी चीज यहाँ से वहां नहीं है, ना कपड़े, ना सूटकेस, ना कागज, सब कुछ वैसा का वैसा है। ऐसे कोई कैसे भाग सकता है किसी के साथ खाली हाथ? जो भी हो, हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अशरफ को ढूंढना है। मरने मारने पर तुला है नाज़नीन का खानदान। मोहसिन भाई, हम भी उतने उतावले हो रहे हैं उसे वापस लाने की। इकलौता बेटा ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? अब्बास जी, जुबैदा जी, जो लड़का अपनी मर्जी से गया हो वो गुमशुदा कैसे हो सकता है? इस मैसेज में साफ लिखा है कि अशरफ किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ अपनी मर्जी से गया है। अगर उसे जाना ही होता मैडम जी, तो वो नाज़नीन से शादी क्यों करता? अभी सिर्फ एक महीने हुए उनके निकाह को। अब आप लोग ही अशरफ को ढूंढ सकते हैं, ताकि हम भी तो ये जाने कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो हमें और नाज़नीन को ऐसे छोड़ के चला गया। देखिए, आपका बेटा कहीं गायब नहीं हुआ, उसने बाकायदा आपको और आपकी बहू को मैसेज भेजा है, सब कुछ पहले से साफ साफ बताया हुआ उसने। अब ऐसे घरेलू मामले में हम किसी के खिलाफ क्या केस दर्ज करें? समय भी यही कह रही थी, केस बनता नहीं है। अंजलि नाम है लड़की का, आप लोग अपने बेटे को एक हिंदू लड़की से शादी करने देते? शायद नहीं, इसलिए डर के मारे उसने कुछ नहीं बोला होगा, आपके दबाव में आके शादी कर ली होगी। सर, हमने कभी अशरफ पर दबाव नहीं डाला, उसने नाज़नीन को भी खुद पसंद किया था। हम खुद से अशरफ को ढूंढ नहीं पाएंगे, मेहरबानी करके आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। देखिए सर, हम कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करना चाहते। दर्ज होगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। देखिए, आपके बेटे को किसने अगवा नहीं किया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गया है।
सर अगर कोई घर छोड़कर जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर तो जाता ही होगा। मैंने उसकी अलमारी चेक की है, सारा सामान ज्यों का त्यों है, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, कपड़े, कुछ वैसे के वैसा। सर वो बिना मोटरसाइकिल के कहीं जाता नहीं था, लेकिन कल शाम को। अबू आज मुझे घर आने में देर होगी। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है, निपटा कर बताता हूँ। अरे बेटा बाइक क्यों नहीं ले जा रहे हो? यहीं पास में ही जाना है अबू। उसने झूठ बोला होगा आपसे, उसकी भागकर कहीं दूर जाने की प्लानिंग होगी इसलिए बाइक लेकर नहीं गया। कैसी प्लानिंग सर? अपने माँ बाप और बीवी को जिंदगी भर का दुख दर्द देने की प्लानिंग। हमने आज तक अशरफ से कोई जबरदस्ती नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि आप उसे जबरदस्ती वापस लाए। एक बार उसे ढूंढ दीजिए सर, ताकि हम जान तो सके कि हमारी खता क्या थी। कोई केस बनता तो नहीं है, फिर भी माँ बाप की तसल्ली के लिए अशरफ के घर की तलाशी लो, उसके फोन रिकॉर्ड निकलवाओ। अशरफ की लोकेशन मिलते ही उसके माँ बाप को इतला कर दो सर। फिर हम आउट, फिर वो जाने, उनका बेटा जाने और बहू नाज़नीन। अम्मी मैं दरगाह जाती हूँ, वही थोड़ा सुकून मिलेगा। जा बच्चा। सुन बच्चा, तू हमारे लिए अब भी वही नाज है जो शादी से पहले थी। सुन, वो तुझे अकेला छोड़कर चला गया, पर हम सब तेरे साथ हैं। तू रत्ती भर भी गम ना कर। हाँ, हम जी जान लगा देंगे तेरे लिए अच्छा बेहतर लड़का ढूंढने में। नहीं अम्मी, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा वाला है ना? बहुत अच्छा। लेकिन कल्पना ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कोरे कागज पर उसका साइन क्यों ले रहे हो? मेरे नाम पे जो जो जमीन जायदाद एफडी शेयर्स, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ। ये स्टाम्प पेपर पे लग जाएगा। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे भी? बस यूं ही, सेफ्टी के लिए। अशरफ के मुकाबले कल्पना को रास्ते से हटाना दूध भात होगा। कल्पना के लिए क्या बनोगे? किस नाम से उसे फोन करोगे? पता नहीं, लेकिन एक प्लान और है। क्या? सोच रहा हूँ इतनी आसानी से फैजल बन गया तो क्यों ना नसीर या सलमान बन के तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगू, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, वो फैजल नाम से याद आया कि वो घर आया था। काफी बुरा लग रहा है यार। जो होना था वो हो गया, मैं तकदीर समझ के भूल चुकी। नहीं नाज़नीन, तकदीर वकदीर पे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। घर के सारे बड़े लोगों को ठीक से छानबीन करनी चाहिए थी हाँ बोलने से पहले। मुझे ना धीरज तब बड़ा फनी सा लग रहा था, यहाँ फैजल बैठकर लेक्चर दिए जा रहा था और कुछ दिन पहले तक तुम फैजल बनकर अशरफ को लेक्चर पे ले जा रहे थे। लेकिन अब मैं कब तक ये दुखियारी वाली एक्टिंग करती रहूंगी? बोर हो गई हूँ मैं, बस थोड़े दिन और। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो अंजलि है ये मनगढ़ंत है या असली में कोई ऐसा है? क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो कर गई ना। मेरा फ़ोन बजाना, मतलब मेरा वाला, मेरा कंफ्यूजन हो जाती है ना।
सास का फोन है। जी नाज़नीन, तू ठीक तो है ना बेटा? तू फिकर मत कर, अशरफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। मिले या ना मिले, मुझे ना अशरफ से ना आप लोगों से कोई वास्ता है। पर हमारा तो वास्ता है तुमसे। तुम मानो या ना मानो, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, जिम्मेदारी हो हमारी। और यकीन करो, अशरफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। पुलिस पूरे जोश के साथ ढूंढ रही है उसे। और मेरा एक वादा है, इससे पहले कि अशरफ हमसे माफी मांगे, उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। उसे माफ करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। हेलो धीरज, पुलिस के पास पहुंच गए हैं। कुछ नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो धीरज, उन्होंने गांठ बांध ली है अशरफ को ढूंढने की और मेरे सामने माफी मंगवाने की। देखो नाज़नीन, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि वो कभी वापस लौटने नहीं वाला। तो ढूंढने दो ना, पुलिस को, जिस किसी को भी, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उनको कबूल करना पड़ेगा कि अशरफ धोखेबाज निकला। वो जिंदगी भर अंजलि को गाली देंगे कि ढाइन खा गई हमारे बेटे को। जिंदगी भर हम एक साथ खुश रहेंगे। देखिए, ये देखिए, सिर्फ पहने हुए कपड़ों में गया है, बाकी सब कुछ इधर ही है। कपड़े तो नए भी खरीदे जा सकते हैं ना जुबेदा जी। ये देखिए, उसके सारे कागजात यही है। ये देखिए, ये उसकी चेकबुक, पासपोर्ट, सब कुछ इधर ही है मैडम। नई जिंदगी शुरू कर रहा है तो नई पहचान ली होगी, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हो सकता है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा ली हों प्लान करके। अगर उसे जाना ही होता तो वो नाज़नीन से शादी क्यों करता? मैं कहती हूँ उसने खुद हाँ की थी, क्या सिर्फ 28 दिनों के बाद छोड़कर जाने के लिए? नहीं मैडम, मेरा बेटा इतना बेरहम हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी बैंक से आ रहा हूँ। अशरफ ने बैंक से एक पैसा नहीं निकाला, ना ही दुकान के अकाउंट से, ना ही खुद के अकाउंट से। उसे गायब हुए अब तो 3 दिन हो गए हैं। पहले ही ट्रांसफर कर लिया होगा। नहीं करवाया मैडम, मैंने मैनेजर से पता किया है। अशरफ का कोई दूसरा अकाउंट है अलग से? नहीं, ये एक ही अकाउंट है। ठीक है, आप बैंक को एक लेटर दीजिए कि वो इस अकाउंट की मॉनिटरिंग करते रहें, तब तक हम इस अंजलि का पता लगाते हैं। अशरफ का कोई करीबी दोस्त? हाँ, उसके कॉलेज के वक्त का एक दोस्त है, निमेश नाम है उसका। आप उसका नंबर निकलवाइए, हम उससे बात करेंगे। पुलिस कंप्लेन तो हमें करनी चाहिए थी उनके खिलाफ। तो की क्यों नहीं, आप लोग अभी कंप्लेन कर सकते हैं। जो हुआ है वो कम है, और कितनी जिल्लत सहे सबके सामने। सच बताओ नाज़नीन, क्या तुम्हें अंजलि के बारे में पता चल गया था? अरे कमाल करती है मैडम आप भी, अगर उसे ये बात पता होती तो वहां वो एक पल भी रुकती क्या? मुझे नहीं बताती, और वैसे भी बड़ी रुखी तरह पेश आया है वो पहले दिन से। पहले दिन से, शादी के पहले दिन से? और नहीं तो क्या, हमारी बच्ची चुपचाप सहती रही। मैडम आप ही बताइए ना, कोई लड़की को कैसा लगेगा जब सुहाग रात को उसका शौहर उसे छूता तक नहीं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अशरफ इतने खफा से क्यों थे, कुछ बात ही नहीं करते थे, पूछती भी थी तो भी टाल देते थे। तो तुम्हारे और अशरफ के बीच में कभी अंजलि का जिक्र नहीं हुआ? नहीं, और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी अंजलि के साथ हूँ या किसी और के साथ। इसमें हमारी रत्ती भर की भी गलती नहीं है मैडम। मोहसिन भाई रिश्ता लाए थे, बिरादरी के भरोसेमंद इंसान है। ठीक है, आप मोहसिन भाई का नंबर दीजिए मुझे। ये एक दूसरा नंबर है, 444-567-891। इस नंबर की भी डिटेल चाहिए मुझे, कंज्यूमर डिटेल चाहिए, लोकेशन डिटेल चाहिए। आज शाम को मिलना ही होगा।
जगह और टाइम फिक्स करके जल्दी मैसेज करूं, बहुत अर्जेंट है। सर एज ऑफ नाउ कुछ मेजर अटपटा तो नहीं लग रहा है। 30 अगस्त को रात को 8 बजे करसीगंज के पास अशरफ का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, उसके पहले इसने 444-567-891 इस नंबर से बात की। अंजलि का होगा, प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड। पॉसिबल है सर, वैसे ये नंबर तभी स्विच ऑफ हुआ जब अशरफ का हुआ। और कुछ? जी हाँ सर, 30 अगस्त के सिर्फ 10 दिन पहले ये नंबर अशरफ के कॉल रिकॉर्ड्स में शो हो रहा है, उसके पहले कभी नहीं। इस नंबर के रिकॉर्ड्स आने दो। अपनी निजी जिंदगियों में रिश्ते बनाने और मिटाने में लोग ऐसी ऐसी प्लानिंग कर जाते हैं कि क्रिमिनल शर्मिंदा हो जाए। इस केस में हम तभी हाथ डाल सकते हैं जब कोई क्रिमिनल एंगर नजर आए, जिसके आसार इस वक्त तो नहीं लग रहे। कल्पना का सुसाइड नोट पढ़ूंगा ना तो पागल हो जाओगी। धीरज सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने बेवफाई की, एक अफेयर किया और उस आदमी ने उल्टा मुझे ही धोखा दे दिया। मैं उसके साथ भागने वाली थी लेकिन वो ही मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखता। दरअसल अब जिंदगी ही मेरे लिए मायने नहीं रखती, इसलिए मैं हमेशा के लिए आंखें मूंद रही हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं हूँ। कैसा लगा? क्या हुआ नाज? पुलिस घर आई थी। अच्छा, अशरफ के अम्मी अबू तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। पीछे पड़े या आगे पड़े, अशरफ तो नीचे है ना, बहुत नीचे, कभी ऊपर नहीं आएगा। टेंशन मत लो नाज, तुमने जो अशरफ के साथ किया ना वो हमने नाज। हाँ हमने, वो तुम, मेरा मतलब है हम कल्पना के साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? पता नहीं यार, मुझे पकड़े जाने का डर है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो अशरफ ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम शिकार हुई उसकी साजिश का, ये बात हमेशा याद रखना। और तुम्हारे इस केस में मैं तो दूर दूर तक दिखूंगा नहीं, और ऐसा ही होगा मेरा और कल्पना के केस में। तुम्हारा उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा और मुझ पर शक नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास कल्पना का लिखा हुआ ये सुसाइड नोट है। देखो कुछ मत करना, तब तक नहीं जब तक अशरफ की याद ना बन जाए। अरे माना तुम्हारे घर पुलिस आई थी लेकिन क्या हुआ उससे? सिर्फ दो सवाल ही तो पूछे, कुछ नहीं होगा आगे भी। धीरज अभी हम कुछ नहीं करेंगे बस। मैडम अशरफ ने तो मेरे सामने हाँ की थी नाज़नीन के लिए, बड़ा खुश लग रहा था वो। वो तो अब जाकर नाज़नीन का खानदान बता रहा है कि पहले दिन से ही उसका बर्ताव बड़ा रुका था। पहली रात से सुहागरात मुकम्मल ही नहीं हुई, उसके बाद भी उसने नाज़नीन को छुआ तक नहीं और कभी ढंग से बात नहीं की। पता नहीं क्या चल रहा था अशरफ के दिमाग में। वैसे बात निकली है तो मुझे एक और बात याद आ गई। क्या? इस नाज़नीन के रिश्ते से पहले भी एक रिश्ता मैं लेके आया था अशरफ के लिए, फरीदा नाम था लड़की का, बड़े अच्छे खानदान से, बड़ी खूबसूरत लड़की। मैंने समझा बात तय है लेकिन फिर अशरफ ने मना कर दिया और कोई वजह भी नहीं बताई। कोई कारण नहीं बताया? जी नहीं। ये फरीदा कहाँ की रहने वाली है? चौकसीपुर। निकाह के दिन तो खुश था वो, पर सुहागरात भी नहीं मनाई गई, ऐसा क्या हुआ था? अशरफ दूसरे दिन थोड़ा परेशान था, मैंने उससे पूछा भी पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। नाज़नीन कह रही है कि 28 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। पता नहीं अशरफ के दिमाग में क्या चल रहा था, हम में से किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई और हो सकती है। और सच कहूं मैडम, अगर कोई और होती तो वो नाज़नीन के लिए हाँ नहीं कहता। उसने चौकसीपुर की फरीदा को ना कहा था? क्यों ना कहा था जुबेदा जी? दर्जनों बार पूछा उससे कि फरीदा के घर वालों को कुछ तो जवाब देना होगा कि क्यों पसंद नहीं है वो, पर वो कुछ बोला ही नहीं। अशरफ के दोस्त निमेश का नंबर मिला? सरताजगंज की संजलि चौबे का एड्रेस और बाकी डिटेल्स तो मुझे मिल गई हैं। अब इससे पहले कि मैं इस तक पहुंचूं, एक इन्फॉर्मेशन मुझे और चाहिए। अंजलि चौबे का ये जो नंबर है ये सिर्फ 10 दिन से यूज में है, प्रीपेड सिम कार्ड है। अब मुझे ये पता करना है कि ये सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया। निमेश, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हिना कुरैशी बोल रही हूँ, ये तुम्हारे दोस्त अशरफ अली के बारे में। जी मैडम, मुझे पता चला अशरफ के बारे में। निमेश, तुम और अशरफ दोनों साथ थे कॉलेज में,
क्या तुम्हारे साथ कोई अंजलि चौबे नाम की लड़की पढ़ती थी? अंजलि चौबे? माना जा रहा है अशरफ इस औरत के साथ भागा है। नहीं मैम, ये तो पक्का। हमारे क्लास में तो क्या, हमारे कॉलेज में भी नहीं थी। और मैं तो खुद अशरफ की शादी में गया था मैम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही उसके बिहेवियर से लगा कि वो परेशान है। इनफैक्ट वो तो अपनी वाइफ नाजनीन को लेकर काफी खुश था। क्या उसने तुम्हें बताया कि नाजनीन के पहले फरीदा नाम की लड़की को वो देखकर रिजेक्ट कर चुका था? नहीं मैम, ऐसा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अशरफ ऐसा लड़का है कि शादी के 4 हफ्ते में ही अपनी पत्नी को सिर्फ एक SMS करके किसी खुफिया गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाए? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा। अशरफ एक रिजर्व्ड किस्म का लड़का है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, ना ही घुलता मिलता है। सीक्रेट्स रखता है? जी मैम, बिल्कुल रखता है। इसीलिए ऑनेस्टली वो किस पॉइंट पे क्या सोचता है क्या नहीं, ये बता पाना आसान नहीं है मैम। सर ऐसा लगता है अशरफ काफी डिस्टर्ब था, उसकी लाइफ में पहले से कोई रही होगी इसलिए उसने फरीदा के रिश्ते के लिए ना कह दिया और तभी से दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो फिर उसने नाजनीन के लिए हाँ क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से ना कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया? सर ऐसा लगता तो नहीं है। पेरेंट्स और नाजनीन का क्लियर कट कहना है कि शादी के दिन से गायब होने तक वो काफी डिस्टर्ब था। सर हो सकता है उसने नाजनीन को हाँ इसलिए कहा क्योंकि वो माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता था और शादी कर ली, और फिर उसे सहन नहीं हुआ तो सबको छोड़ छाड़ कर भाग गया। शायद यह केस यहीं खत्म होता है। एक आदमी ने एक पराई औरत के लिए अपनी कानूनी पत्नी और माँ बाप को ठुकरा दिया। क्या आप लोग पता लगा पाए कि वो औरत कौन है जिसने मेरे बेटे को गुमराह किया है, कहाँ छुपा कर रखा है मेरे बच्चे को? जी नहीं जुबेदा जी, अभी तक तो नहीं, पर हमने सरताजगंज में एक अंजलि नाम की लड़की को ढूंढ लिया। फोन रिकॉर्ड से लग रहा है कि आपका बेटा अशरफ और ये लड़की अंजलि दोनों साथ में भागे, और इन दोनों ने जानबूझकर पूरी दुनिया को गुमराह करके रख दिया है ताकि इन तक पहुंचने की कोई गुंजाइश ना रहे। कि हम अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, एक मासूम की जिंदगी तबाह करने पर उतराया है हमारा बेटा। हम नाजनीन को क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने आपसे कहा था अम्मी, मुझे अशरफ से कुछ लेना देना नहीं। पर इस घर से तो है ना बेटा, मन मानने को तैयार नहीं। पर अब तो पुलिस वालों ने भी कह दिया है कि अंजलि नाम की लड़की वाकई में है और शायद अशरफ अंजलि के साथ ही भागा है। अशरफ के अब्बू और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि अब तुम हमारे साथ रहो बेटी बनकर। रहने दीजिए अम्मी, मेरे भी अम्मी अब्बू हैं और मैं उनकी भी मेहरबानी के मोहताज हूं। पढ़ी लिखी और अपनी जिंदगी खुद संवार सकते। अल्लाह हाफिज़। पुलिस ने अशरफ की अम्मी अभी को बोल दिया है कि अशरफ हाथ में है और असली में किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ भाग चुका है। मैंने तो ये पहले ही कह रखा था कि हमारा काम परफेक्ट होगा, और अब आखिरी पड़ाव। कल्पना बोलो, प्लान नंबर 2 शुरू करें। जी अंजलि चौबे यहीं रहती है? हाँ जी, बात क्या है? अंजलि है घर पे? जी हाँ, वो रसोई में खाना बना रही है। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर सुभाष रघुवंशी, माधोबाग पुलिस थाने से। अंजलि। हाँ मैम। अंजलि, अशरफ कहाँ है? अशरफ कौन है? अशरफ मुझे क्या पता कि ये कौन है, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माँ ये देखो, ये मेरा नंबर नहीं है, यहाँ पर 444567891 है और मेरा नंबर 444532236 है। एक मिनट, ये रहा मेरा फोन, आप लगाइए। लेकिन इस फॉर्म पर फोटो तो आप ही का है ना, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी। अंजलि ये क्या चक्कर है, कौन है ये अशरफ? माँ मुझे नहीं मालूम है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इसमें फोटो मेरा है, पैन कार्ड मेरा है, आधार कार्ड मेरा है, पर सर ये नंबर मेरा नहीं है। बता था हमें, हम जब आप तक पहुंचेंगे आप हमारे हाथ लगेंगे, आप ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे, इसलिए हमने SIM कार्ड की पूरी कहानी खोज निकाली। 20 अगस्त को आपने SIM कार्ड खरीदा सरताजगंज के शशि मोबाइल शॉप से। अंजलि चौबे
इस लड़की को जानते हो तुम? नहीं सर, पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन सर सारी डिटेल्स लेता हूँ हर सिम के खरीदार से। मैंने किसी भी शशि मोबाइल से कोई सिम कार्ड खरीदा ही नहीं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ कैसे पहुँच गए? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता आप ऐसे कैसे मेरे घर में धमक गए। अंजलि जी, हम ऐसे ही नहीं धमके, आपके फोन रिकॉर्ड हमें यहाँ तक खींच कर लेकर आए, जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि आप अशरफ के टच में रही हैं काफी करीब से। अंजलि, क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे? माँ कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, आप खुद जाके ना शशि मोबाइल वाले से पूछ लीजिए कि उनके पास मेरा ये फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड कहाँ से आया। आपको फिर खुद ही पता चल जाएगा कि आप जिस अंजलि को ढूंढ रहे हैं ना, वो दरअसल मैं हूँ ही नहीं। जी नहीं, हम जिस अंजलि को ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। अब आप हमें साफ साफ बताएं आपका बॉयफ्रेंड अशरफ कहाँ पर है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तो आप लोगों के कारण मेरी माँ मुझ पे ही शक कर रही है। आग लगवाने आए आप मेरे घर पे? आग तो आप लगा चुकी हैं दो दो घरों में, अशरफ के घर में, नाजनीन के घर में। वैसे नाजनीन को तो जानती ही होंगी आप। हे भगवान, अभी नाजनीन कौन है? सुनिए, कुछ तो झूल है। ये अंजलि चौबे कह रही है कि ये किसी अशरफ को नहीं जानती, ये प्रेग्नेंट भी नहीं लगती सर, अपनी माँ के साथ रह रही है। सर जैसा कि इस लड़की ने कहा, ये वो अंजलि चौबे नहीं है जो अशरफ के साथ भागी है। शायद कोई अंजलि हो ही नहीं, पर अगर ऐसा है तो अशरफ क्यों भागा? क्या दाल में जरूर कुछ काला है, वरना कोई किसी के साथ भागने के लिए किसी और की आईटी डिटेल्स यूज करके सिम क्यों खरीदता? इतनी प्लानिंग? जी सर, इस बारीकी की प्लानिंग में क्रिमिनल इरादे की बू तो आ रही है। ये किसी प्रेमी जोड़े का काम तो नहीं लगता है सर। हिना, वो जो लड़की है जिसे अशरफ ने पहले रिजेक्ट किया था, फरीदा। हाँ फरीदा, पूछताछ करो उससे, पता करो ये अशरफ का माजरा क्या। ठीक है सर। और वहाँ सरताजगंज में अंजलि चौबे ट्रैक हुई है, उसका कहना है कि वो किसी अशरफ को नहीं जानता। सर भागने वाले जोड़े ये तरीके नहीं अपनाते, इसलिए हमें इस केस की और गहराई तक जाना होगा। अशरफ के माइंड में घुसना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा था वहां पर, उसने फरीदा को क्यों रिजेक्ट किया, फिर नाजनीन को क्यों सेलेक्ट किया, और शादी के एक महीने बाद उसे क्यों छोड़ दिया। इस वक्त तक हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, पर ये दो प्रेमियों के भाग जाने वाला मामला तो नहीं लग रहा, किसी क्रिमिनल साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। जानता हूं कल्पना, वक्त नहीं दे पाता तुम्हें, पर ये तीन दिन कोई काम नहीं होगा, कोई फोन नहीं बजेगा, सिर्फ तुम और मैं। बता नहीं सकती धीरज, इस वक्त का कब से इंतजार रहा है मुझे। आपके करीब आने के लिए तरस गई थी मैं। मैं भी कल्पना, मैं भी। परसों मैं कल्पना को उज्जैन घुमाने ले जा रहा हूँ, उसके लिए वो अपने पति धीरज के साथ खुलकर घूम रही होगी, लेकिन हमारे लिए वो अपने बॉयफ्रेंड सलमान के साथ होगी, दुनिया से छुपकर गुड़छर्रे उड़ा रही होगी। जिस सलमान को होटल वाले और बाकी लोग देखेंगे, वो सलमान कभी किसी को मिलेगा ही नहीं अशरफ की तरह। अगर कुछ मिलेगा तो वो होगी कल्पना की लाश और उसका सुसाइड नोट। इस सबके बाद इन सबसे दूर हम फिर से मिलेंगे। दुआ करती हूँ कि इसके बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई कल्पना ना आए, कोई अशरफ ना आए, बस हम और सिर्फ हम रहे एक दूसरे की जिंदगियों में। देखिए मैडम, मेरा अशरफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं सिर्फ उनसे एक बार मिली थी, वो भी हमारे घर, पेरेंट्स के सामने। हाँ फरीदा, पता है, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अशरफ ने एक नाजनीन नाम की लड़की से शादी की और चार हफ्ते बाद ही किसी हिंदू लड़की के साथ भाग गया। देखिए मुझे ये सब मत बताइए, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या अशरफ ने तुम्हें इस अंजलि के बारे में कुछ बताया था, क्या उसी की वजह से ना कहा था तुमको? अगर उसने ये कहा है तो आप उसी से पूछिए। सीधे सीधे जवाब दो वरना तुम्हें थाने आना पड़ेगा। देखिए मैडम, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, अब ना तो मेरे पास टाइम है थाने आने का, ना ही कोई कारण। मेरे पास टाइम भी है और कारण भी, थाने नहीं तो बोलो कहाँ होगी, मैं पहुँच जाऊँगी। फरीदा जी, मैडम आपने कहा था कि इस मीटिंग के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी शादी एजाज नाम के लड़के से होने वाली है, और अगर किसी को भी इस मीटिंग के बारे में पता चला तो शामत आ जाएगी। नहीं पता लगेगा किसी को भी, अब बोलो। अशरफ ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था। तो फिर इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते, मैंने उसे कुछ कहा था। मुझे आपसे कुछ कहना है। बेशक, खुलकर कहिए। उसका नाम एजाज है,
हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं कर रही हैं शादी? एजाज जॉब ढूंढ ही रहे हैं, इसलिए अभी हम अब्बू के सामने कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहती हैं आप? ना कर दूं आपके रिश्ते को? अगर मैं अम्मी अब्बू को कहूंगी तो वो शायद नहीं मानेंगे और मुझ पर शक भी करेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा। प्लीज़ आप समझिए, मैं एजाज के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। फरीदा, बड़ी फ्रैंक हैं आप, इतने साफ दिल से सब कुछ कह दिया आपने। सच कहूं तो मुझे पसंद आ गई हैं आप। आपकी पसंद हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगा। और उसने वही किया, बहुत ही डिसेंट बंदा है मैम, सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, एक तरीके से मुझे आज़ाद कर दिया एजाज से शादी करने के लिए, जो कि अब होने वाली है। उस वक्त तो मैं उन्हें शुक्रिया नहीं कह पाई, लेकिन अब वो जब भी मिलेंगे तो मैं उन्हें शुक्रिया ज़रूर कहना चाहूँगी। सर, अगर अशरफ फरीदा की फीलिंग्स की कदर कर सकता है तो वो नाज़नीन की ज़िंदगी की कदर क्यों नहीं करेगा? बड़ा ही समझदार और सेंसिटिव लड़का मालूम होता है। पहले तो ये केस ही नहीं बन रहा था और अब इतना बड़ा झोल नजर आ रहा है। सर, ये सरताजगंज की अंजलि चौबे, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा ही नहीं कि इस प्लान में शामिल हो गए। पर इसके नाम पर जो सिम कार्ड खरीदा गया सर, वो 20 अगस्त का है और 30 अगस्त को ये सिम कार्ड स्विच ऑफ भी हो गया, और इन 10 दिनों में इस नंबर से सिर्फ अशरफ को कॉल किया गया सर। ये काफ़ी अटपटा है, काफ़ी ज़्यादा। सर, अब तक अशरफ का कैरेक्टर जिस तरह से निकल के आया है वो कोई साजिश करने वाला लड़का लगता नहीं है। हो सकता है साजिश किसी और ने की हो, इस केस में अशरफ एक्यूज नहीं बल्कि विक्टिम हो, लेकिन ऐसा है तो फिर अशरफ है कहाँ? एक काम करो, अंजलि चौबे के असली नंबर की डिटेल्स निकालो, हो सकता है जहाँ से उसने वो सिम कार्ड खरीदा हो वहाँ से डॉक्यूमेंट लीक हुए हो, और ये जो नंबर है 10 दिन वाला, इसके SMS टैक्स निकलवाओ, जरूरत पड़े तो DCP ऑफिस से लेटर देना। जी सर। सर, एक काम करते हैं, इस नाज़नीन को भी स्कैनर पर डाल देते हैं, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ मैं। सर, ये अशरफ अगर विक्टिम है तो अशरफ के माँ बाप ने तो ये साजिश नहीं की होगी, तो बचा कौन? नाज़नीन। करेक्ट, लगा दो एक लेडी कांस्टेबल को नाज़नीन के पीछे। सर, अपने खबरियों को एक्टिवेट कर दो, अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि क्राइम क्या हुआ है, ये भी पता नहीं है कि अशरफ कहाँ है, एक बार हमें अशरफ मिल जाए उससे क्राइम का भी पता चल जाएगा। अम्मी, बाजार से कुछ चाहिए, मैं तड़का जा रही हूँ। ना रे, कल शाम सब कुछ ले लिया है, तू जा। नाज़नीन, एक बात बता, अशरफ से मेरी मुलाकात कब हुई? ये क्या बोल रहे हो फैजल, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा नाज़नीन, मैं ना तुम्हारे निकाह में आया था और ना ही वलीमा में, और अशरफ से मेरी फोन पर कोई बात नहीं हुई, मेरे पास उसका फोन नंबर तक नहीं है, फिर भी पुलिस कह रही है कि मैं उसे दर्जनों SMS भेज रहा हूँ। जी, 20 अगस्त से 29 अगस्त तक तुमने रोज सुबह अशरफ को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किए, हमें ज्यादा देर नहीं लगी 2 और 2 मिलाने में कि तुम ही नाज़नीन के चचेरे भाई हो सरताजगंज वाले। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, नाज़नीन के शौहर अशरफ से मैं मिला तक नहीं हूँ, SMS क्या भेजूंगा? 22 अगस्त को अशरफ का मैसेज है तुम्हें, भाई फैजल, तुम्हारे मैसेजेस और जोक्स पढ़कर इतना हंसा हूँ कि आंखों में पानी आ गया, कल खाने पर नाज़नीन तुम्हारे लिए पसंदे बनाएगी, खूब मजे करेंगे, आना जरूर, भूलना नहीं। मैम, ये बिल्कुल नामुमकिन है, मेरा अशरफ से कभी भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा है, और ये जो नंबर आप बता रही है 4445678 जी, ये मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर तो ये है जिस पर हमारी बात हो रही है। नाज़नीन, मुझे पुलिस ने माधोबाग बुलाया, पुलिस कह रही है कि मैंने तुम्हारे घर अशरफ और तुम्हारे साथ खाने पे आना था, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ नहीं पता फैजल, सच्ची में कुछ नहीं पता, मैं रखती हूँ फोन। Thank you.
क्या हुआ अम्मी? वो पुलिस आई है। नाजनीन, आपको हमारे साथ माधोबाग पुलिस स्टेशन चलना होगा, साहब बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम पर बीती है वो कम है क्या जो बात करके कुरे देंगे? देखिए, आपको साथ चलना है तो आप भी साथ चल सकते हैं, लेकिन इस वक्त नाजनीन को हमारे साथ तुरंत चलना होगा। इनके पति अशरफ की खबर आई है। बिल्कुल सही है सर, ये पोस्टपेड कनेक्शन है 444-543236, अंजलि चौबे के नाम से मेरी दुकान से इशू किया गया सर, अप्रैल 2015। तो इस सिम होल्डर की पूरी डिटेल्स तो होंगी ही ना तुम्हारे पास? आईडी वगैरह की कॉपीज तो रखते ही होगे अपने पास? सर, पिछले 4 महीनों से मैं घर नहीं आया हूँ। नाजनीन के निकाह और वलीमा दोनों में नहीं था, और ये अशरफ को मैं जानता तक नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग क्यों बोलूंगा, जोक्स क्यों भेजूंगा सर? एक सवाल है, सीधे सीधे जवाब पूछिए सर। तुम्हारा और नाजनीन का कोई अफेयर चल रहा है? ये क्या वाहियात बकवास कर रहे सर आप? नाजनीन मेरी चचेरी बहन है। अरे मैडम, कब से बिठा के रखा है, क्या क्या बात क्या है? क्या पता चला अशरफ के बारे में, कुछ पता चला कि नहीं, बताएगी आप? मैडम, मैं और फैजल नाजनीन के बड़े चचेरे भाई हैं, और आप लोग इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। और ये फैजल वाली बात मैडम पूरी तरह से झूठ है। नहीं इलियास, ये झूठ नहीं है। फैजल सिर्फ अशरफ से टच में ही नहीं था, बल्कि अंजलि चौबे के नाम पर खरीदे हुए जाली सिम कार्ड से उससे टच में था। फैजल ऐसा क्यों कर रहा था इलियास? मैडम, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसमें फैजल को फंसाया जा रहा है। वो तो एक सीधा साधा और मेहनती लड़का है मैडम। कौन अंजलि, कहां की अंजलि जी? सर मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मैंने कोई भी फोन डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराया और ना ही कोई जाली सिम खरीदी है, और मैं किसी भी अंजलि नाम की लड़की को नहीं जानता हूं। और रही बात नाजनीन की, सर वो मेरी चचेरी बहन है, और उसके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ना शर्मनाक है सर। एक्चुअली शर्मनाक क्या है मालूम है? शर्मनाक है अशरफ जैसे सीधे और सेंसिटिव आदमी पर इतनी कालिक पोतना, और इस कालिक को अब तुम साफ करना शुरू करोगे। सीधे सीधे बोलो, अशरफ कहाँ है? क्या क्या तुमने अशरफ के साथ? देखिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है। अजीब है सर, सिर्फ इस एक सिम कार्ड की डिटेल मिसिंग है, बाकी सारे हैं, सिर्फ ये वाला कहीं मिसप्लेस हुआ है। मिसप्लेस नहीं, मिसयूज हुआ है विकास राणा। अंजलि चौबे से हमने खुद क्रॉस चेक किया है, उसने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी और अपना एक फोटोग्राफ तुम्हें दिया था जब उसने सिम खरीदा था। अब तुम हमें सीधे सीधे ये बताओ कि अशरफ मिसिंग केस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अशरफ मिसिंग केस? सर कौन है अशरफ? ये अशरफ है जो भाग गया है, और ये है नाजनीन उसकी बीवी, जो इस बात का दावा करी है कि उसका पति उसे छोड़कर किसी अंजलि चौबे के साथ भाग गया है। और यह है फैजल, नाजनीन का चचेरा भाई, जो अंजलि चौबे के नाम पर खरीदे गए फर्जी सिम कार्ड से अशरफ के टच में है। अब इन सब के बीच में तुम क्या कर रहे थे और कहां थे? सर मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता। हाँ, अंजलि चौबे की डिटेल मेरे यहाँ दिए गए थे, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए सर, मेरी परमिशन के बगैर इन डॉक्यूमेंट्स को कोई छू भी नहीं सकता है। 20 अगस्त को सरताजगंज के चौक मार्केट की शशि मोबाइल शॉप से अंजलि चौबे के नाम पर एक नया सिम कार्ड खरीदा गया, और 101% आईडी की कॉपीज तुम्हारी ही दुकान से चुराई गई है। इस दुकान को मैं अकेला संभालता हूँ, अगर कोई हेल्पर रख भी लूँ तो ये डॉक्यूमेंट संभालने का काम तो मैं अकेला ही देखता हूँ सर। तुम्हारा माधोबाग या हबीबपुर से कोई कनेक्शन है? हबीबपुर? हाँ हबीबपुर, जो माधोबाग से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सर हबीबपुर से तो मेरा दोस्त धीरज है, और वो 20 अगस्त को मेरी दुकान पर भी आया था। तो सरताजगंज आते रहता है काम के सिलसिले में, और पूरा 6 महीने बाद अपना थोपड़ा दिखा रहा है। इसका पूरा नाम क्या है और नंबर क्या है इसका? सर उसका पूरा नाम धीरज मौर्य है, लेकिन सर वो नाजनीन अशरफ, उसका इस सबसे क्या कनेक्शन होगा? वो तो हम पता लगाएंगे धीरज मौर्य से, तुम सिर्फ उसका नंबर दो। नाजनीन, मैं कल कल्पना के साथ उज्जैन के लिए निकल रहा हूँ, और तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आज मिलना ही मिलना है हमें, तुरंत रिप्लाई करो। अब मैडम जरा ज्यादा ही देर हो रही है, घर में कितने सारे काम अटके पड़े। आप चुप रहेंगे जीनत जी? नाजनीन उठो, ये धीरज मौर्य कौन है, क्या हुआ, मुंह में दही जम गया?
या मुखौटा निकल गया। धीरज मौर्य जी। नाजनी। क्या क्या हुआ? वो हमसे कह रही है कि वो किसी धीरज मौर्य को नहीं जानती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दिया जाए। चलो फिर से एक बार हेलो कर लो। वैसे पहले काफी हेलो हेलो हो चुका है तुम दोनों का। तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, एसएमएस और चैट्स भी। तेरे फोन लोकेशन के हिसाब से तू 20 अगस्त को सरताजगंज में था और हर उस जगह पर मौजूद था, जैसे तेरे दोस्त विकास राणा की दुकान जहां पर तूने अंजलि चौबे की आईडी डिटेल्स चुराई। उसके बाद तेरी फोन लोकेशन है चौक बाजार की शशि मोबाइल शॉप जहां से तूने अंजलि के नाम पर जाली सिम कार्ड खरीदा। उसके बाद तू हर उस जगह पर मौजूद था जहां पर अंजलि के नाम से खरीदे गए जाली सिम कार्ड से तूने फैजल बनकर अशरफ को कॉल्स किए, एसएमएस किए। तू फैजल बना, धीरज मौर्य क्यों बना और अशरफ कहां है? तुझसे क्या? कुछ तो बताइए इंस्पेक्टर साहब। फैजल इलिया से आपने पूछताछ की, अब नाजनीन को बिठा रखा है, वैसे भी हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है साहब। मंसूर जी इसमें दो राय नहीं कि धोखा हुआ है, लेकिन यह धोखा अशरफ ने नहीं आपकी बेटी नाजनी ने दिया है। अशरफ को, उसके माँ बाप को और आप सबको भी। क्या बात कर रहे हैं आप होश में तो हैं? बेहोश तो आपकी बेटी थी, इश्क के नशे में, धीरज मौर्या नाम के लड़के के साथ। नामुमकिन। पहले तो हमें भी यही लग रहा था, लेकिन अब इस बात के सारे सबूत हमारे हाथ में है कि नाजनी ने धीरज मौर्या के साथ मिलकर अशरफ के साथ कुछ कर दिया है। धीरज, नाजनीन, बोलो कहाँ है अशरफ, क्या किया उसके साथ? खोल दो मुंह, नहीं तो तुम दोनों के पुर्जे खोल दिए जाएंगे। अच्छा सुन, तू 10 मिनट बैठ और देख कोई कस्टमर आए ना तो रोक के रखना, मैं फटाफट लंच पैक करा के आता हूँ, ठीक है? हाँ आराम से, मैं हूँ ना। एक सिम कार्ड चाहिए प्रीपेड मेरी बहन के लिए, आईडी और फोटो। अंजलि चौबे, इलियास, फैजल, बेझिझक इस्तेमाल किया इनका, खूब नाम उछाला इन लोगों का सिर्फ अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। धीरज चल, अब हमें वो मजार दिखा, वो कब्र जहां एक मासूम की लाश पर तू अपनी प्रेम कहानी का मकबरा खड़ा करना चाहता था। शातिर निकली तू, अरे शादी नहीं करनी थी तो हमें बता देती ना, उसे मरवा डाला। अम्मी हम भागने वाले थे लेकिन उसने आपको अटैक आ गया, नाम चले जाते और ये बात यहां तक पहुंचती नहीं। किस मुंह से कह रही है कि ये बात यहां तक नहीं पहुंचती? अरे ये जुर्म यहां नहीं करती तो दोनों मिलकर कहीं और जुर्म करते। इतना भद्दा दिमाग पाया तुम दोनों ने? उस मासूम अशरफ को मारा, अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा तुमने? अरे खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हारे दिल में? अम्मी, अशरफ, 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 अशरफ धीरज और नाजनीन के बुने जाल में फंस गया। चार गोलियां मारी गई थी।
हर बार की तरह इस केस में भी सबक काफी लाउड और क्लियर है। चुरू के पंख मोम के बने होते हैं, कानून की रोशनी में उनका पिघलना लिखित है, तय है। और रही बात प्यार की, तो वो प्यार कैसा प्यार जो किसी आदमी या औरत को एक बेहतर इंसान बनाने के बजाय एक बदतर हैवान बना दे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।